नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि जो कोरोना बीमारी का दंश झेल चुके हैं, जो कोविड-19 से पीड़ित हो चुके हैं, उनको क्या वैक्सीन दिया जाना चाहिए। मतलब ये है कि जो कोविड बीमारी से जिन्हें छुटकारा मिल चुका है, एक बार जिन्हें कोविड हो चुका है, क्या उन्हें वैक्सीनेट किया जाना चाहिए या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार भी इस पर कोई एक फैसला अभी तक नहीं कर पाई है। मैंने खुद भारत सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी और ICMR के मुखिया से ये सवाल पूछा था कि क्या जो कोरोना पीड़ित हैं उन्हें वैक्सीनेशन दिया जाएगा। मेरा मतलब है जो कोरोना पीड़ित हो चुके थे, जो उससे उबर गए हैं, जिनके अंदर नेचुरल एंटीबॉडी बन चुका है, क्या उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा। तो उनका जवाब था कि अभी इस पे कोई वर्ल्ड वाइड कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ है, वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और भारत सरकार भी इसको लेकर के कोई नियम बनाएगा तो निश्चित तौर पर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार हम लोग करने वाले क्या हैं। एक बात इसको लेकर के मैं आपको बताऊं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ज़बरदस्त रिपोर्ट छपा है और उसमें इस बात को लेकर के कई एक्सपर्ट्स की राय भी ली गई है कि क्या जिन्हें नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है, मतलब जिन्हें कोविड हो चुका है, उससे उबर चुके हैं, उनके अंदर नेचुरली एंटीबॉडी है, तो क्या उनको वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। तो इसको लेकर के एक्सपर्ट्स की जो राय है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है और उनका ये मानना है कि हाँ, उनको वैक्सीनेट करना जाहिर तौर पर ज़्यादा फायदेमंद होगा। हाँ, ये बात और है कि वहाँ के जो डॉक्टर पीपर हैं उनका ये कहना ज़रूर है कि प्रायोरिटी वैसे लोगों को मिलना चाहिए जो कि इससे पीड़ित नहीं हुए हैं, मतलब जिनके अंदर नेचुरल एंटीबॉडी नहीं बना है। ये बात और है कि वहाँ इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ठीक है, 90 दिनों तक ऐसे लोगों को जिनके अंदर नेचुरल एंटीबॉडी बना हुआ है, मतलब जो कोरोना बीमारी से उबर चुके हैं, उनको प्रेफरेंस बाद में देना चाहिए क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ एंटीबॉडी जरूर है जो इन्फेक्शन से लड़ सकता है। पर वो 90 दिन का ही क्यों चुना गया है, जाहिर तौर पर उस रिपोर्ट में इसका बहुत खास जिक्र नहीं है और इसको लेकर के कोई ऐसा शोध भी नहीं हुआ है कि क्या 90 दिन के बाद एंटीबॉडी ख़त्म हो जाता है या क्या होता है, इसको लेकर के ऐसी बात नहीं हुई है। हाँ, वहाँ की एक एजेंसी ज़रूर है ACIP, जो कि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के बात कर रही है, उसका भी ये कहना है, उसका भी ये मानना है कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें नेचुरल एंटीबॉडी बन चुका है, जो कि नेचुरली इन्फेक्टेड हुए थे, उनको प्रायोरिटी लिस्ट में बाद में रखा जाए, लेकिन इसका मतलब है कि वो भी इस पक्ष में है कि उनको वैक्सीनेट किया जाए। अब आखिरकार ये समझना बेहद दिलचस्प होगा कि नेचुरल इन्फेक्शन, जो नेचुरल एंटीबॉडी इन्फेक्शन के बाद बनता है, जो कोरोना पीड़ित में बनता है, जो एंटीबॉडी डेवलप कर जाता है उनके बॉडी में, क्या वो ज़्यादा कारगर होगा या वैक्सीनेशन ज़्यादा कारगर होगा। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें तो उन्होंने इसको इस तरीके से समझाया है और कई एक्सपर्ट्स इस तरीके से मानते हैं कि कुछ ऐसे बीमारी हैं जैसे न्यूमोकोकल बैक्टीरिया, इनसे जो वैक्सीन इनमें दिया जाता है वो वैक्सीन कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है नेचुरल इन्फेक्शन से, मतलब जो नेचुरल एंटीबॉडी बनता है। पर आप अगर मम्स की बात करें तो इसका जो नेचुरल एंटीबॉडी होता है वो वैक्सीनेशन से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। और अगर कोविड-19 कौन से कैटेगरी में पाया जाता है, तो कोविड-19 को अभी तक जितने भी स्टडीज हुए हैं, सर्वे हुआ है, उसको इस कैटेगरी में रखा गया है कि इसका वैक्सीनेशन इसके नेचुरल एंटीबॉडी से ज़्यादा पावरफुल है। मैं आपको बताऊँ कि कुछ लोगों में जहां क्लिनिकल ट्रायल चलाया गया था और उसमें जब मॉडर्ना का शॉट्स दिया गया उनमें, तो जो एंटीबॉडी की मात्रा थी वो उनमें कहीं ज़्यादा थी कंपैरेटिवली जिनमें नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है।
तो जाहिर तौर पर ऐसे लोगों को, क्योंकि ये बात बार बार उठ रहा था कि जो जिनके बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडी डेवलप की हैं, जिनमें कोरोना बीमारी हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, उनमें एंटीबॉडी की मात्रा नेचुरल तरीके से ज़्यादा है या जब वैक्सीनेट करते हैं तब ज़्यादा है, तो मॉडर्ना शॉट्स इसका एक एग्जाम्पल है, जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिरकार जब ये बात है तो फिर कब उन्हें वैक्सीनेट किया जाना चाहिए, किस टाइम पीरियड के बाद ऐसे पेशेंट को वैक्सीनेट किया जाना चाहिए जो एक बार इन्फेक्टेड हो चुके हैं, एक बार जिनके अंदर एंटीबॉडी है। तो इसको लेकर के अभी भी कंसेंसस बनना है, भारत सरकार इस पे निर्णय लेगी। पर मैं आपको बताऊं कि कुछ जो एक्सपर्ट्स जैसे बिल हनागे का कहना है कि जिस भी व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ है नेचुरल तरीके से, ये डिपेंड करता है कि उसका एक्सपोजर कितने अमाउंट ऑफ वायरस के साथ हुआ है। जिसका जितना वायरस के साथ एक्सपोजर हुआ है उसमें इन्फेक्शन उतना ही तगड़ा देखा गया है, और जिसमें कम हुआ है वो कम इन्फेक्टेड रहा है। पर उससे महत्वपूर्ण बात एक ये है कि जिसको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है, जैसे माइल्ड कोरोना हुआ, ख़त्म हुआ, तो उसके अंदर एंटीबॉडी भी माइल्ड बनता है, मतलब कुछ टाइम पीरियड तक एंटीबॉडी इफेक्टिव रहता है जो सेकेंड इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही इसका इफेक्टिवनेस कम होता है तब कोरोना के बढ़ने के चांस, बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इसीलिए एक्सपर्ट्स की राय ये है कि किसको कितना हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन है, उसकी इफ़ेक्टिविटी क्या है, ये समझना बेहद मुश्किल है। तो जाहिर तौर पर जिनका नेचुरल इन्फेक्शन होता है, मान लीजिए जिनको वैक्सीनेट किया गया, तो ऑब्वियस है उनको कोरोना होने के चांसेस बहुत कम है, उनको नहीं होंगे। और अगर हम इस चीज़ पे, इस थ्योरी को माने कि नेचुरल इन्फेक्शन हो जाएगा और तब हम ठीक हो जाएंगे, तो जाहिर तौर पर पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रहा है। कई लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, कई लोगों को बॉडी में लम्स डेवलप कर रहा है, कई लोगों को अर्थराइटिस हो रहा है, बहुत ऐसी बीमारियां हो रही है जो पोस्ट कोविड लोगों में देखा जा रहा है। तो मैं इसलिए आपसे ये कहना चाहूँगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये साफ कर दिया है, अभी जो एक उसमें रिपोर्ट छापा है उसमें ये साफ छप उसमें ये साफ लिखा गया है कि ये बेहतर होगा कि जो जिन लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ भी है वो एक टाइम पीरियड के बाद ज़रूर वैक्सीनेट कराएं अपने आप को, उससे उनको फ़ायदा होगा, इसका नुकसान कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, ये बात ज़रूर है कि वहाँ के जो डॉक्टर पेपर हैं और जो एक संस्था है जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के काम करती है कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किनको दिया जाए, कौन से लोगों को पहले दिया जाए, तो उनका ये ज़रूर मानना है कि जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, जिनके अंदर एंटीबॉडी ऑलरेडी है, उनको कुछ टाइम के लिए तो प्रोटेक्शन मिलना ही मिलना है। तो इसलिए उन्हें अभी बहुत जल्दी ज़्यादा रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रायोरिटी में बाद में आना चाहिए, क्योंकि उनमें कम या ज़्यादा एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम इतना ज़रूर डेवलप किया हुआ है जो उनको एक टाइम पीरियड के लिए, एक समय के लिए कोविड से ज़रूर बचाएगा, क्योंकि उनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वैक्सीनेशन सबके लिए ज़रूरी है और वैक्सीनेशन से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स देखा गया है जिसका क्योर संभव है, लेकिन नेचुरल इन्फेक्शन से किसको कितना नुकसान होगा ये प्रिडिक्ट करना बेहद मुश्किल है। ये बात और है कि जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो तकरीबन 2% है, उससे कम है दुनिया में, लेकिन कौन किसकी मौत हो जाएगी, किसको कोरोना किस हद तक इफ़ेक्ट करेगा, ये प्रिडिक्ट करना पहले बहुत मुश्किल है। इसलिए ये वेट करना कि नेचुरल एंटीबॉडी डेवलप होगा और वो ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है इस केस में। इसलिए वैक्सीनेशन को बेहतर बताया गया है, और वैक्सीनेशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर हैं, कई लाखों हजारों में एक दो देखे गए, उसका भी उपचार संभव है, तो इसलिए वैक्सीनेशन को बेहतर बताया गया इस रिपोर्ट के मुताबिक। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस बारे में भारत सरकार को फैसला लेना है, इसकी एक रेगुलेटरी बॉडी है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो इसको लेकर के क्या फैसला करती है, इस पर सरकार का कहना है कि जिनको
एंटीबॉडी नेचुरल तरीके से बन चुका है, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर फैसला आना है। वैसे उन्होंने ये डिसाइड जरूर कर लिया है कि तकरीबन 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, फिर वैसे लोग जो 50 से ज़्यादा उम्र के लोग हैं और जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। तो इस तरह का भारत सरकार ने फैसला किया, लेकिन जिनको कोरोना हुआ है और जिनके अंदर नेचुरल एंटीबॉडी बन चुका है और उनको फिर से वैक्सीनेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर भारत सरकार की अभी तक कोई पॉलिसी नहीं आई है। धन्यवाद।